इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मास्टर श्री सुशील चंद्र जैन, संजय कुमार जैन उप प्रधान, जैन समाज भोलानाथ नगर, अर्चित जैन, आर्जव जैन, आरु जैन। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज पंजीकृत भोलानाथ नगर शाहदरा दिल्ली। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज भोलानाथ नगर शाहदरा दिल्ली। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे भारत की राजधानी दिल्ली के सीबीडी मैदान स्थित नेपाली मंदिर के सामने कोहली टेंट हाउस अयोध्या नगरी में परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुपम दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 17 से 23 नवंबर 2023 के मध्य मनाए गए इस महोत्सव के पिछले भाग में, जहां कल आपने गर्व कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की गतिविधियों को निहारा, तो वहीं आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे 19 नवंबर 2023 को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक गतिविधियाँ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से भारत की राजधानी दिल्ली के सीबीडी मैदान स्थित नेपाली मंदिर के सामने कोहली टेंट हाउस अयोध्या नगरी में श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 17 से 23 नवंबर 2023 तक चले इस महामहोत्सव के तीसरे दिन अर्थात 19 नवंबर को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें सौभाग्यशाली श्रद्धालु ने पांडुकशिला पर विराजमान जिनेन्द्र भगवान का प्रासुक जल से अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। अभिषेक के उपरांत जिनेन्द्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा कर प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाष्टितंत्राय द्वादशवर्णसक शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रमय दर्शनमय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भवे धनेन्द्र परमराय ऋषि आर्य का शावक शावक अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की आरती की, तत्पश्चात विनय पाठ कर मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर पूज्य गुरुवर को भी श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात मधुर स्वर लहरियों के मध्य प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ओम ब्रह्मचर्य महानुभाव धर्म मोहिनी आचार्य परमेश्वर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पूजार्थ मुख्य सष्टम्बलोन मुद्रित आचार्य परमेश्वर जलादि पुण्य महार गुरु नाम का ओ मिल गया है ठिकाना गुरु नाम का। अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित धार्मिक पुस्तकों का विमोचन किया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम हृदय
से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। आज इस पुस्तक का होम्योपैथी ने चलिए यहाँ पर इसका विमोचन किया। एक बार जोरदार तालियों से आप भी विमोचन में सहभागी बने। सुसागर जी महाराज की जय। जय। मैं डॉक्टर साहब को एक महीना पहले मिला था, तो जब मैं डॉक्टर साहब को मिला तो डॉक्टर साहब राष्ट्रपति के भी फिजिशियन रह चुके हैं और बहुत बड़े बड़े मंत्री नेता सब डॉक्टर साहब के पेशेंट हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये मेरे को एक चीज़ बताई कि जितनी एलोपैथिक दवाई हम खाते हैं उसमें कीटाणु मरते हैं, हत्या होती है, लेकिन जो होम्योपैथिक दवाई है उसमें कीटाणु नहीं मरते और वो थोड़ा देर में असर करती है लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। और डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा कि किताब को रिलीज़ करानी है, मैं चाहता हूँ कोई जैन मुनि इसको रिलीज़ करे। तो मैं डेढ़ साल से निर्मल जैन जी के, तो हमारा बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है पंचकल्याण महोत्सव, आप वहाँ आएँ और महाराज सूर्य सागर जी महाराज जी आ रहे हैं, हम उनके हाथ से आपकी किताब का विमोचन करा दें। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसके अंतर्गत शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे सौधर्म इंद्र ने सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाया और इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है। अगले क्रम में नाचते गाते सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी महाराज नाभिराय के दरबार में आकर महाराज नाभिराय से तीर्थंकर बालक के दर्शनों की आज्ञा मांगी। महाराज से स्वीकृति मिलने पर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लाने के लिए महारानी शची इंद्राणी को गर्भगृह जाने के लिए कहते हैं। इंद्राणी धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाले, इंद्राणी रुकी गए गर्भगृह के पास, मम प्रवेश नहीं हो सके गर्भगृह में आ। मैं सर्वशक्तिमान होते हुए भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार तो केवल स्त्री को ही प्राप्त होता है। अतः इंद्र विवश होकर अपनी प्रिय शची को आज्ञा प्रदान करता है। क्या आज्ञा है मुझे? हे महान पुण्यशालिनी, एक भवावतरी शची, आज मुझे सचमुच जीवन में प्रथम बार तुम्हारे महान सौभाग्य से ईर्ष्या हो रही है। आज मुझे संपूर्ण स्वर्ग का वैभव और स्वर्ग का सिंहासन भी आपके पुण्य के आगे सब कुछ फीका फीका दिखाई दे रहा है। अगले क्रम में जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर आई, तब सौधर्म इंद्र बालक को सौंपने की मनुहार करने लगे। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन करने लगे। हजार बनाए के प्रभु देखे इंदिरा, फिर भी मन तृप्ति नहीं सोच करत है आज, सोच करत है आज। संगीत। और नेत्र हजार बना कर दे फिर भी तृप्ति नहीं मानी, नेत्र हजार बना कर दे फिर भी तृप्ति नहीं मानी। और कितने सुंदर कितने सुंदर प्रभु जी लाई आज मेरी शची इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती सम सम चली इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती सम सम चली इंद्राणी। और इंद्र प्रभु को निहार रहे फिर भी नहीं माने ले ले, इंद्र प्रभु को दर्श कर रहे फिर भी मन में तृप्त नहीं। ओम। इस बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुवर द्वारा मंगल कलश प्रदान किए गए। इसके बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
भगवान का जो कल्याणक है, कल्याण का अर्थ होता है दोबारा गर्भ में नहीं आना, गर्भ कल्याण। हाथ जोड़ो, दोबारा बोलो, दोबारा गर्भ में नहीं आना, गर्भ में नहीं आना, गर्भ के कष्ट को नहीं सहना, गर्भ के कष्ट को नहीं सहना। जब भगवान गर्भ में आते कैसे रहते, गर्भ में आते तो कैसे रहते? हाँ भाई, पद्मासन में रहते, बोलो, ऐसे हाथ रखो भगवान की तरह। भगवान कैसे बैठे मंदिर में, ये देखो, भगवान विराजमान है ना, ऐसे रखो, ऐसे ही विराजमान रहते गर्भ में। कैसे विराजमान रहते? पद्मासन में, बोलो, वीतराग मुद्रा में। नई बात है ये? हाँ पंडित जी, भगवान ऐसे विराजमान रहते जैसे ये भगवान विराजमान। आ संसारी जीव कैसे विराजमान रहते हम आप लोग? ऐसे करो, हाथ नापो, ये नापो, बोले हे भगवान, हे भगवान, संसारी जीव जब, संसारी जीव जब गर्भ में रहता है, गर्भ में रहता है, खुद उल्टा रहता है, खुद उल्टा रहता है, खोपड़ी सीधी रहती है। खोपड़ी कैसे रहती है? अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। शची इंद्राणी के साथ सौधर्म इंद्र जिन बालक को ऐरावत हाथी पर लेकर अन्य इंद्रगणों सहित सुमेरु पर्वत की ओर अग्रसर हुए। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर सुमेरु पर्वत की ओर जा रही इस शोभा यात्रा में बैंड बाजों की गूंज पर नाचते गाते जिनेन्द्र भक्त नगर के वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो, प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो, प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्म इंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुकचला पर विराजमान कर स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। अगली कड़ी में श्राविकाओं ने मंदिर निर्माण से संबंधित एक अद्भुत लघु नाटक का मंचन कर सभी उपस्थित गणों का मन मोह लिया। अरे हे भगवान, अचानक ये मौसम को क्या हो गया? ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? भाई
अरे भाई निकाल लो उसको जल्दी 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 यहां से निकलो जल्दी। अरे भाई साहब देखना जरा मेरी आंखों से देखने में कुछ कमी आ रही है क्या? कल इतना आंधी तूफान आया यहाँ तो कुछ भी टस्से मस नहीं हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के पश्चात विशिष्ट जनों एवं कलाकारों का स्वागत सम्मान किया गया, साथ ही विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम पर अपने विचारों को भी साझा किया। सर्वप्रथम महाकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए जो आयोजन किया गया है और आयोजकों ने जो भव्य तरीके से किया है उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर प्रतिष्ठित आचार्य जी, मेरे बड़े भाई निर्मल जैन जी, और भाई साहब का मैं नाम नहीं जानता हूं, मेरे दो छोटे भाई भी हैं सौरव और गौरव जैन, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा मान सम्मान किया उसके मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय श्री महेश चंद जी जैन से अनुरोध कर रहा हूं कि वे दो शब्द अपने मुख से यहां कहें। मैं दिगंबर जैन समाज भोलन नगर का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने यहां मुझे आमंत्रित करके ये सौभाग्य प्राप्त किया, और जो उन्होंने सम्मान किया भाई निर्मल जी मेरे कॉलेज मेट हैं और भाई की तरह उन्होंने स्वागत करा, मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो रीति रिवाज होते हैं वो निभाने पड़ते हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस पंचकल्याण में जो आज का कार्यक्रम हुआ है इसकी तो बहुत ही ज्यादा सराहना करता हूँ, ऐसी उम्मीद इतना अच्छा कार्यक्रम भी होगा। जय जिनेंद्र। स्वागत सम्मान के इस क्रम के बाद अब श्राविकाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर कार्यक्रम में भक्ति रस घोल दिया। मंगलाचरण के उपरांत महाराज नाभी राय, माता मरुदेवी के साथ साथ सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक के पालने को झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से भारत की राजधानी दिल्ली के सीबीडी मैदान स्थित नेपाली मंदिर के सामने कोहली टेंट हाउस अयोध्या नगरी में आयोजित श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ चिन्हबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत जन्म कल्याणक के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 23 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से सहभागिता कर प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी महोत्सव के तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मास्टर श्री सुशील चंद जैन, संजय कुमार जैन उप प्रधान, जैन समाज भोलानाथ नगर, अर्चित जैन, आर्जव जैन, आरु जैन। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज पंजीकृत भोलानाथ नगर शाहदरा दिल्ली। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज भोलानाथ नगर शाहदरा दिल्ली।